अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग। व्हाइट कलर का एक, येलो कलर का और एक पर्पल कलर का। मैं आपके लिए ये सारे जो हमारा प्रॉब्लम थोड़ी हुई आपके लिए तो ना हमारे के लिए जो फ्लावर तो है वही आपके लिए दो। बहुत बड़ी रूट निकल आई है। थैंक यू। ये लाल किला है, बटन कुंडी के मेन बाज़ार से कुछ पहले आता है। आसपास के खेत और पहाड़ इस जगह को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। बाज़ार से अलग होने की वजह से यहाँ बहुत सुकून है, इसी वजह से हम हर दफ़ा यहाँ स्टे करते हैं और यहाँ की कुदरती मनाजिर को इंजॉय करते हैं। नारायण की नस्बत यहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये पिक्चर्स 2020 की हैं, जब हमने लास्ट टाइम स्टे किया था। उस वक्त जब हम सुबह उठे तो सारे बादल नीचे आए हुए थे। हमें ऐसे फील हुआ कि हम किसी और वर्ल्ड में चले गए हों। इस मर्तबा वो मंज़र तो नहीं मिला, मगर फिर भी यहाँ पर बहुत सुकून है। रूम्स छोटे हैं लेकिन बहुत साफ सुथरे। एक डबल बेड और एक सिंगल बेड और दो चेयर्स रूम में हैं और एक टेबल। मज़ीद कुछ रखने की जगह नहीं है, इतने छोटे रूम्स हैं। बहुत साफ सुथरे हैं इसलिए हम यहाँ रहना पसंद करते हैं। अभी हम रूट के बैक साइड फ्रीज में आ गए हैं। रूम के बिल्कुल पीछे ही ये पहाड़ है। हमारा दिल कर रहा था कि हम पीछे पहाड़ को क्लाइम करें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, हमने और भी जाना था आगे। मैंने हमारा को फोटोग्राफी भी करके दी थी। लास्ट टाइम जब हम इधर आए थे तो ये अम्ब्रेलास के साथ डेकोरेट हुआ हुआ था, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता था। यहाँ पर टोटल 8 रूम्स हैं और सामने इनका रेस्टोरेंट है। आज हमारे ट्रिप का लास्ट डे है और सुबह सुबह हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। इस ट्रिप में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा इसी जगह पे आया। मामा देखिए कितना लंबा है वो बादल। एक शीशा बंद करो। अभी हम राफ्टिंग के लिए आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले टिकट लिया
वैसे तो पर पर्सन चार्जेस बहुत ज़्यादा है, बात करने से ये कम भी कर देते हैं। टिकट लेने के बाद हम जीप पर अगले पॉइंट जा रहे हैं, जहाँ से हम जैकेट पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे और राफ्ट में बैठेंगे और वापस राफ्ट हमें गाड़ी के पास ड्रॉप करेगी। पहले कह रहा था कि मैंने राफ्ट में नहीं बनना, लेकिन मैं जब बैठा तो फिर बहुत मज़ा आया। राफ्टिंग बहुत एक मज़े का एक्सपीरियंस है और डर भी लगता है जब तेज़ पानी वाली जगह से राफ्ट गुजरती है और सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। एक जगह ऐसी थी जहाँ पे मेरी आंख में पानी चला गया था। राफ्ट में उतरने के बाद मैं पैडल चलाने का शौक पूरा कर रहा हूँ। आइए मनु का राफ्टिंग एक्सपीरियंस जानते हैं। मेरी आँख बंद हो गई थी। अच्छा, ये शीप्स आ गई, इनमें से कुछ गोट्स हैं कुछ शीप हैं। यहाँ की खूबसूरती को हम वीडियोस की सूरत में सेव करते हुए हम वापस जा रहे हैं, मगर ट्रिप पर आते हुए जो एक्साइटमेंट थी वो ख़त्म हो गई और वापसी पे हम सब बहुत लेते हुए हैं। वापसी पे हम एबटाबाद मोटरवे से आए। ये मोटरवे बहुत बहुत खूबसूरत है, हम इसके सफ़र को बहुत इन्जॉय करते हैं, मगर हमारा कैमरा मैन थक चुका है और सो चुका है, इसलिए आप तब मार मोटरवे के मनाजिर कैप्चर नहीं कर चुके। इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा टनल्स आती हैं। ये टनल्स बहुत लंबा है, मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई है इसकी। हाँ मैंने बनाई थी। सी यू लेटर। ओके, अल्लाह हाफिज़।